लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे क्या, दैट इज डाइपोल मोमेंट। अभी अपन डाइपोल मोमेंट को कंटिन्यू करते हैं। मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ डाइपोल मोमेंट के लिए। सो वी आर डिस्कसिंग दैट डाइपोल मोमेंट। फॉर डायटॉमिक मॉलिक्यूल हमने डायपोल मोमेंट में लिखा था कि भाई डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो डाइपोल मोमेंट अपन कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो अपन ने पढ़ा था लास्ट टाइम। ठीक है, डाइपोल मोमेंट के लिए अपन कैसे पढ़ते हैं, तो फॉर डायटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मैंने आपको ऐसे बताया म्यू विल बी इक्वल, म्यू इज अ डाइपोल मोमेंट एंड दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा इज अ पार्शियल चार्ज ऑन ईच एटम व्हिच इज बॉन्डेड इन अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल एंड डी इज द डिस्टेंस, जो अपन ने लिखा हुआ। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है वो अपन को पता है, और वो हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम की तरफ ही डाइपोल मोमेंट होता है वो अपन ने पढ़ा। ये जो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है वही चार्ज यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, और उस चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है वो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था। लास्ट टाइम अपने न्यूमेरिकल भी किया था, अब अपन एक पार्ट और पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। उसमें एक दो पॉइंट अपन ने डिस्कस किए थे, नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं उसको सेकंड पॉइंट लिख लूंगा, पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं अपन लास्ट टाइम, तो इसको सेकंड पॉइंट बना देते हैं। आप अपने आप ही देख लेना कितना कौन सा पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं लिखूंगा दैट इज द डाइपोल मोमेंट फॉर, है ना, द डाइपोल मोमेंट फॉर फॉर ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अपन कहेंगे भाई चलो ठीक है, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल मतलब जिसमें तीन एटम होंगे, तो ए बी टू टाइप होगा ऐसे, मतलब तीन एटम में ए बी टू टाइप भी होता है, ए बी सी टाइप भी हो सकता है, ए इज अ सेंट्रल एटम, बी इज अदर एटम। अब अपन ए बी टू टाइप में अपन क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं अपन की ए बी टू टाइप है अपने पास, और इसमें अपन ऐसे कर लेते हैं ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, मान लो मेरे पास ऐसे क्यों सी हो, तो अपन सबको पता है कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, बॉन्ड पोलर होगा, लेकिन मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा या नहीं ये अपन चेक करते हैं। तो CO2 के केस में तो आई राइट लाइक दिस, अपन को पता है कार्बन इज सेंट्रल एटम, इधर डबल बॉन्ड होगा, इधर भी होगा, इधर डाइपोल मोमेंट यहां से यहां होगा, यहां डाइपोल मोमेंट यहां से यहां होगा, वाइट एसओ ये बॉन्डिंग एंगल 180 डिग्री है, ये अपन को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है सब आपको, इवन डाइपोल मोमेंट को बताने की जरूरत नहीं। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर दो अपोजिट वेक्टर्स होंगे पैरेलल टू ईच अदर या एक ही रिजल्टेंट, उसके लिए फोर्स अगर चेक करेंगे तो एक ही फोर्स से दो रिजल्टेंट वेक्टर्स होंगे तो वेक्टर मोमेंट क्या होगा उनका, अपन क्या कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर उसका, अगर दो वेक्टर्स हो तो अपन कहेंगे ये तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बॉन्ड में पोलैरिटी है, ये मैं मना नहीं कर रहा कि ये पोलर बॉन्ड नहीं है, लेकिन डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 इज जीरो। तो अपन क्या बोले, मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर, तो बोलेंगे ना नॉन पोलर, व्हाट इज सो, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी तो जीरो आ रहा है, दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि बॉन्ड पोलर नहीं है, बॉन्ड तो पोलर है, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, बॉन्ड तो मैं पोलर बोलूंगा, लेकिन मैं मॉलिक्यूल को नॉन पोलर बोलूंगा, बॉन्ड इज पोलर, व्हाट इज सो, बिकॉज इसमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ना, द रिजल्ट मोमेंट जीरो बोलूंगा। तो अच्छा ठीक है, फिर तो मेरे पास ऐसे एग्जांपल और भी हो जाएंगे, जैसे जैसे BeCl2 है वो भी 180 डिग्री होता है, उसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, राइट। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि CO2 में लंदन फोर्सेस होंगे क्या, बिल्कुल होंगे, लंदन फोर्सेस क्या, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहेंगे अपन तो। अच्छा, मतलब यू आर टेलिंग मी दैट कि भाई इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, लेकिन डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, मैं इस अट्रैक्शन को मना थोड़ी कर सकता हूं, ये तो डाइपोल डाइपोल हो सकता है ना, पॉसिबल हो सकता है ना, मॉलिक्यूल में डाइपोल तो है, इसमें ये डाइपोल हो सकता है, तो
तो अगर अपन से कोई पूछेगा अच्छा बताओ CO2 में कौन से फोर्सेस होंगे जिसकी वजह से मैं CO2 को लिक्विफाई कर सकता हूं, तो अपन कहेंगे देखो भाई ये चांसेस मिनिमम होंगे, ये चांसेस इसके पास होने के मतलब अट्रैक्ट करने के, इस टाइप से इनके अप्रोच करने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अपन से कोई पूछ रहा है कि भाई अच्छा सर फिर इसमें किस इसको अगर लिक्विफाई करना है तो क्या करेंगे, तो अपन कहेंगे भाई इनमें तो रिपल्शन होगा, ये तो आपस में अट्रैक्ट नहीं कर सकते ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई ये पूरा मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, ये दूसरा CO2 मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, तो इनको आपस में कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे, तो अपन कहेंगे लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे इनको कंप्रेस करेंगे। तो किस टाइप के फोर्सेस एक्ट करेंगे, तो अपन कहेंगे इस टाइप का फोर्स एक्ट करना तो मुश्किल है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे वर्टिकल, ऐसे होना मुश्किल होगा। तो मैक्सिमम इसमें किस टाइप का मतलब फोर्सेस होगा जिससे इसका लिक्विफिकेशन होगा, तो अपन कहेंगे टेम्परेचर कम करो और प्रेशर बढ़ाओ। तो डाइपोल डाइपोल कब होता है, तो अपन कहेंगे डाइपोल डाइपोल तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स हो। ये तो पोलर मॉलिक्यूल, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो रहा है। अगर जीरो हो रहा है तो इसका मतलब है कि दैट मॉलिक्यूल विल लिक्विफाई एट लो टेम्परेचर जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा और प्रेशर को बढ़ा देंगे तो वो कुछ राइट। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। तो कभी कभी मैंने देखा आप लोग पूछ भी रहे थे, कुछ बच्चे थे जो मुझसे पूछ रहे थे सर CH4 में CH में तो पोलैरिटी है लेकिन मतलब फिर भी उसको आप बोल रहे हो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है CH4, दैट वॉज द रीजन क्योंकि CH4 में रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो। सारे बॉन्डिंग के लिंक जैसे हैं, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सारे बॉन्डिंग के लिंक जैसे हैं तो सारे के सारे रिजल्टेंट वेक्टर्स ऐसे आएंगे। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा अपने लिए, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो, मतलब इसमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा जीरो। सो द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। अभी आने वाले हो मैं इसके बाद आऊंगा ना, पहले एक बार ये कर लेते हैं न्यूमेरिकल डाटा टाइप ना कि अपन न्यूमेरिकल कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो सीख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आने वाला हूँ ना क्योंकि डाइपोल मोमेंट का अपने लिए यूज तो यही होगा, हाउ टू टेल कि भाई कौन सा मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है किस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी नहीं है। अभी इसमें तो पोलर बॉन्ड दिख रहे हैं लेकिन आप इसे नॉन पोलर बोल रहे, तो इसका एप्लीकेशन यही तो होगा हमारे लिए। थोड़ा सा एप्लीकेशन वाला पार्ट चेक कर ले अपन, न्यूमेरिकल वाला पार्ट की मैथमेटिकली कैसे कैसे पूछ सकते हो, उसके बाद अपन इसी पे आने वाले थ्योरेटिकल की भाई हम किस मॉलिक्यूल को पोलर बताएंगे और किस मॉलिक्यूल को नॉन पोलर बताएंगे, कैसे बोलेंगे वो डाइपोल मोमेंट से स्ट्रक्चर बना के। अगर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा है तो उसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोल देंगे, अगर उसमें रिजल्टेंट राइट ना वेक्टर्स उसके जीरो नहीं आ रहे तो अपन उसे पोलर मॉलिक्यूल बोल देंगे। तो अभी मैं दूसरा डाइपोल मोमेंट दूसरा मॉलिक्यूल लेने वाला हूं, मान लो मेरे पास ऐसे की बने SO2, तो अपन कहेंगे SO2 तो ऐसे होता है, इसमें तो एक लोन पेयर होगा, इधर डबल बॉन्ड होगा, इधर भी डबल बॉन्ड होगा, तो अपन कहेंगे इसमें डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट तो ऐसे होगा, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा, बॉन्ड एंगल थीटा जो होगा दैट थीटा विल बी नियरली क्योंकि ये लोन पेयर गिवन है तो इट इज ऑलमोस्ट 117 होता है। ठीक है भाई, तो इसको क्या बोले, पोलर बोले या नॉन पोलर बोले, तो अपन कहेंगे इसमें तो मैं नॉन पोलर मतलब बोल ही नहीं सकता, इसमें तो पोलर बोलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रॉन अपना डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, तो अपन कहेंगे देखो ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो सल्फर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो सल्फर का लोन पेयर किस तरफ मूव करेगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसको मूव तो इधर करना चाहिए, इसका डाइपोल मोमेंट किस तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, लेकिन होगा क्या, अगर ये दोनों मिलके इधर पुल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर अपन कहेंगे सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इसका भी इलेक्ट्रॉन उधर को नहीं जा पाएगा, होना तो चाहिए उधर को इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों पुल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इस वजह से सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो मैं रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऐसे बनाऊंगा, दिस इज द रिजल्टेंट डाइपोल, मतलब इसका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में आएगा, नीचे के डायरेक्शन में आएगा, क्यों, क्योंकि इधर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब पुल करेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गए सल्फर से अटैच्ड, अगर ये सब मिलके पुल करेंगे तो सल्फर बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अगर सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो वो लोन पेयर को अपनी तरफ पुश करेगा, ऐसे पुल करेगा कि भाई वो मेरी तरफ आ जाए। तो अगर ये इधर जा रहे हैं वो वेक्टर्स भी इसी डायरेक्शन में आएगा, होना तो चाहिए, अगर मैं इनको कंसीडर ना करूं तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उस तरफ होगा, लोन पेयर का डायरेक्शन, लेकिन ये पुल करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उन इलेक्ट्रॉन को सल्फर के पास आना पड़ेगा,
वो इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास आ रहे हैं, तभी तो ये रिपल्शन और बढ़ रहा है ना, ये रिपल्शन बढ़ेगा तो बर्निंग एंगल 120 से छोटा होगा। तो वो अपन को चेक कर सकते हैं अपन कि भाई किसी भी डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, वो अपन बता सकते हैं। तो इसमें अपन कहेंगे इसमें तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, मतलब ये तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा फिर तो इसमें, तो अपन बता सकते हैं। अच्छा फिर तो ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से मैं बता सकता हूं मुझे क्या करना है। फिर ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल मेरे पास ऐसे भी हो सकता है, इसमें भी तीन ही एटम है ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल, तो अपन कहेंगे देखो भाई इसमें क्या रिजल्टेंट फोर्स होगा, तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन होगा, इसके पास एक हाइड्रोजन होता है, एक और हाइड्रोजन होता है, और इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है 105, ये अपन को पता है। ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है, वैसे तो अपन को पता है कि भाई लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसका डाइपोल मोमेंट भी इस डायरेक्शन में होगा। ओवरऑल क्या होगा, ये भी उधर को है, ये भी इधर को है, इसका मतलब है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी लाइक दिस, दैट इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, तो अपन डायरेक्शन बता सकते हैं। अब अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, मुझे कहा गया, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट टू कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल। सो ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल में सपोज इस टाइप के मॉलिक्यूल हो गया, अपन ने ए बी टू टाइप ले लिया, तो अपन क्या करेंगे ए बी टू टाइप में जैसे वाटर ही कंसिडर कर लेते हैं ठीक है ना, एज़ो टू का नीचे होना चाहिए है ना सर। हाँ बिल्कुल वो नीचे की तरफ है, मेरे ख्याल से सबको विजिबल है, नीचे की तरफ अपने लिखा ना डाइपोल मोमेंट, एरो बनाया ना अपन ने, ये नीचे की तरफ रहेगा ओवरऑल राइट। अपन क्या करेंगे, अब मैं बाद में भी आंसर दे सकता हूँ, मतलब तुम लोग थोड़ा सा वेट करना अगर मैंने तुरंत आंसर नहीं दिया, क्योंकि मैं क्या करता हूँ इसको ना थोड़ा बंद कर देता हूँ है ना, क्योंकि मेरा फिर ध्यान जाता है उस पर। अच्छा किसी ने कुछ पूछा, अपन पहले कंसेप्ट पढ़ लेंगे फिर मैं देख के सारे आंसर दे दूंगा अगर जरूरत पड़ी। अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास गिवन है, मेरे पास गिवन है कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ए एंड बी, नाउ वी आर गोइंग टू टेक एग्जांपल, ऐसे अपन एक डी एग्जांपल लेते हैं, वो इन जनरल ले लेते हैं अपन, मेरे पास एक ए ऐसे एग्जांपल है, इसमें मान लो मैंने कहा कि मेरे पास बी ऐसे गिवन है, इसके बीच में थीटा वो कुछ भी हो सकता है, बट थीटा इज नॉट 180, यहां पर अपन कोई लोन पेयर वगैरह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ठीक है, थीटा दैट इज लेस देन 180 ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अगर ये दोनों है तो इसका वेक्टर ये होगा, इसको वेक्टर ए ले लेता हूं, इसका डाइपोल मोमेंट ये होगा, इसको वेक्टर बी ले लेता हूं, तो अपन क्या लिखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, अपन कहेंगे भाई रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का हो गया है ना, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर ए राइट ना प्लस वेक्टर बी, क्या लिखते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ना cos theta, cos theta लिखोगे आप, ये ऐसे लिखोगे, ये होता है आपका resultant vector ठीक है, जो आपने पढ़ रखा है physics में first chapter का vectors का है, मुझे पता है आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आपको बस पता लगाना है कि भाई किस type से मुझे vector check करने है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे triatomic molecule ab type तो ये दोनों atom तो same हो गए, इसका मतलब है कि अगर ये bond length equal है तो अपन कहेंगे vector a is equal to vector b, if vector a is equal to vector b तो क्या करेंगे, अपन कहेंगे अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो 2a स्क्वायर कर लो, ये भी 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट हटा देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कर लेते हैं, देन द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट या रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ही तो हो जाएगा, तो अपन कहेंगे द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू 2 राइट ना, क्योंकि अपन कोई एक ले लेते हैं इसमें, सो टू इसके लिए म्यू ए म्यू वन ले लेते हैं, ये म्यू ए बी हो गया, ये भी म्यू ए बी हो जाएगा, तो अपन इसको सीधा सीधा लिख सकते थे म्यू ए बी और टू म्यू ए बी कॉस थीटा, तो रिजल्टेंट फैक्टर मैं ऐसे कर लेता हूं, तो मैं लिख लूंगा ट्वाइस ऑफ, क्या कर लू आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो, आपने किया भी होगा, तो आप लिखोगे म्यू ए बी भाई दो हो जाएंगे ना, इधर भी टू ए बी आ जाएगा, इधर भी टू ए बी आ जाएगा, और आपके पास टू कितने है वो, तो कॉमन ले लोगे आप इन दोनों में से, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो आप टू ए स्क्वायर कर लोगे, ये भी टू ए स्क्वायर हो जाएगा, मेरे पास टू म्यू ए बी कॉस रूट हटा रहा हूं मैं, थीटा बाई टू आ जाएगा मेरे पास, ले भाई ये लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाई टू म्यू रिजल्ट,
ठीक है भाई, तो ये थोड़ा और लिख देता हूँ मैं, cos थीटा बाय 2 आ जाएगा। तो मान लेते हैं चलो भाई ठीक है, ये अपने पास आ गया, ऐसे भी लिखूंगा तब भी चलेगा। तो अगर ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें मुझे थीटा आपने दे रखा है तो मैं डाइपोल मोमेंट बता सकता हूं। लेकिन अगर जैसे मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, इनमें से अपन से कहा गया कि बताओ भाई डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, उसमें क्या जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, जिसका बॉन्ड एंगल कम होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अच्छा ठीक है भाई, तो मतलब बॉन्ड एंगल से मैं डाइपोल मोमेंट बता सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बता सकते हो, और भी अपन डिस्कस करेंगे पहले, बट यहां से भी अपन बता सकते हैं कि या तो आप ऐसे वेक्टर्स ऐड कर लो और उसके बाद आप बता दो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे एक क्वेश्चन ऐसे किया, कैलकुलेट, मैं इसी में बना लेता हूं क्वेश्चन, लिखा तो है कैलकुलेट द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन इन H2O मॉलिक्यूल इफ इट्स डाइपोल मोमेंट इज वन पॉइंट फोर वन फोर डी बाई। इसका डाइपोल मोमेंट मुझे दे दिया आपने, वैसे वो 1.8 होता है, मैंने कुछ न्यूमेरिकल डाटा चेंज करके थोड़ा डाटा अच्छा बनाने के लिए ऐसे किया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0.414 रो 2 भी लिख सकते हो आप, और कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, बाकी आप कोई और भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो क्वेश्चन बनाओ, हमें कंसेप्ट पता है हमें क्या करना है। इफ इट्स डाइपोल मोमेंट इज दिस मच एंड द OH बॉन्ड लेंथ इज अपन को गिवन है 1.2 एम स्ट्रॉन्ग यूनिट। ठीक है भाई मुझे क्या गिवन है, आंसर लिख लेते हैं। अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट कितना OH बॉन्ड का, तो मुझे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, मतलब मैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल से एक बॉन्ड मतलब एक OH अगर मुझे आप बता दो तो मैं ऑक्सीजन पे डेल्टा चार्ज कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि आपने बॉन्ड लेंथ तो दे ही रखा है, बॉन्ड लेंथ तो दे ही रखा ना आपने भाई, डी आपने दे रखा है, डेल्टा आपने पूछा है। अगर मुझे एक बॉन्ड का मुझे पता चल जाए तो जितना ये डेल्टा होगा उतना ये डेल्टा होगा, तो एक डेल्टा इस बॉन्ड की वजह से आएगा ऑक्सीजन पे और एक डेल्टा इसकी वजह से आएगा, तो अगर मुझे ये डेल्टा पता चल जाए तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऐसे करता हूं, आपने मुझे ये क्या दिया, डाइपोल मोमेंट ऑफ H2, मतलब आपने मुझे ये दिया डाइपोल मोमेंट ऑफ H2, तो मैं इसको ऐसे करूंगा द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ H2 is equal to twice of dipole moment of OH into cos theta by 2. अब मैंने इसको theta by 2 नहीं दिया आपको, वो देंगे क्वेश्चन में, अपन को theta by 2 ना क्वेश्चन में देंगे, ठीक है ना, उनको cos theta by 2 क्वेश्चन में देंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता देता हूं 52.5 आएगा, तो मैं इसको cos theta by 2, अब सपोज करते हैं given that है, यहाँ पर given लिख लेता हूँ, cos theta by 2 that is 105 है, 105 by 2 is equal to 0.6 के राउंड होता है, तो वो मुझे given है क्वेश्चन में, मैंने दे दिया उसको कि भाई इतना होगा। ठीक है भाई, तो ये मुझे given है 1.414 that is equal to 2 mu OH मुझे अगर मिल जाए तो मुझे एक वो मिल गया ना, एक OH बॉन्ड का वैल्यू, तो इनटू हो गया cos थीटा बाय 2, आपने खुद ही बता दिया कि भाई वो 0.6 होता है, तो 105 बाय 2 करते हैं 1.105 बाय 2, वो आपने मुझे दे दिया कि ये 0.6 होता है, तो चलो भाई कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा अपने पास, कितना है अपने पास, तो मैं इसको लिख लूंगा, मेरे पास कितना वैल्यू आया 1.414 दैट इज √2 डिवाइड बाय 2 इनटू वो वैल्यू 0.6 होता है आपको गिवन है। ठीक है, इजिकल टू हो जाएगा मेरे पास कितना, म्यू ऑफ OH, लो भाई अपना आंसर आ गया। कैसे, अगर म्यू ऑफ OH मिल गया मुझे तो एक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट मिल गया,
एक बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट मिल गया, मतलब म्यू ओएच आ गया, तो डी आपने मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। अगर डी दे रखा है तो मैं डेल्टा चार्ज मेरे पास आ जाएगा। अगर मेरे पास डेल्टा चार्ज आ गया तो एक बॉन्ड से जितना डेल्टा पॉजिटिव होगा उतना डेल्टा नेगेटिव होगा इस पे, तो दूसरे बॉन्ड से और होगा उतना ही डेल्टा नेगेटिव। तो टू डेल्टा नेगेटिव आपने पूछा है, मैं बता देता हूं, तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अपन को इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये जो आपने लिखा हुआ है मैं इसको हटा लेता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर कैलकुलेट कर देता हूं। अब अपन क्या करेंगे, रूट टू डिवाइडेड बाई टू इंटू 0.6। लेकिन इसका ध्यान रखना, पता क्या प्रॉब्लम करोगे आप, ये अपन को जो आंसर गिवन है ये डी बाई में आया आपके पास, क्यों, यहां पर आपने डी बाई यूज किया ना, राइट। तो ये डी बाई हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा इंटू डी। डी कितना गिवन है 1.2। अब इसको अपन को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10^-10, तो ये मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो आप डी बाई को भी कन्वर्ट करना मत भूलना, वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अपन ने क्या दे रखा था, डी बाई, यहां पर डी बाई, यहां पर डी बाई, यूनिट्स में अपन कभी गलती नहीं करेंगे। तो अपन डी बाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं कन्वर्ट, तो अपन को पता है भाई 3.33 × 10^-30 होता है, तो ये कूलम मीटर्स हो गया, ये कूलम हो गया, ये मीटर हो गया, तो उनको डेल्टा चार्ज किसमें मिल जाएगा, कूलम से मिल जाएगा। तो मेरे पास डेल्टा आ गया यहां पर, अपन इसको लिख लेते हैं भाई, डेल्टा चार्ज कितना आएगा अपने पास, ये 1.2 है, तो यहां पर मेरे पास आया दैट इज 3.33 × 10^-10 कर लेता हूं और डिवाइड बाय कर देता हूं, इंटू रूट टू भी है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.6 इंटू 1.2 कर लेता, ये 20 हो जाएगा क्योंकि मैंने 10 कैंसिल किया -20 कर, ठीक है। ये अपने पास डेल्टा चार्ज आ गया, देयरफॉर टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन ऑन ओ एटम विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा चार्ज, एक डेल्टा इसकी वजह से और एक डेल्टा इसकी वजह से, इतना ही पूछ सकते हैं अपन मैक्सिमम अपन से पूछेंगे, राइट ना, क्योंकि न्यूमेरिकल में मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बन सके कुछ, अपन कैलकुलेशन करके आंसर, दैट इज ऑल व्हाट वी रिक्वायर फॉर कैलकुलेशन पार्ट। मतलब कैलकुलेशन पार्ट में अपन से मैक्सिमम ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल तक ही पूछेंगे, उससे आगे जो पूछेंगे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, नॉट द डाटा की भाई उसमें हम ट्रिगर भी यूज करें और ये सब यूज करें। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई कोई बात नहीं, मतलब हमें अगर कोई क्वेश्चन देते हैं तो हम डेल्टा चार्ज भी बता सकते हैं, अगर हमें डेल्टा चार्ज, अगर डाइपोल मोमेंट हमें इससे कैलकुलेट कर सकता हूं मैं, एक बॉन्ड का मोमेंट एक बॉन्ड के लिए अगर कैलकुलेट कर लूंगा तो रिजल्टेंट भी पूछोगे तो भी बता दूंगा, क्योंकि एक बॉन्ड का आ गया, थीटा का वैल्यू जो भी दे दो आप हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अपन को अगर 45-30 इस टाइप से गिवन होता तो वो तो अपन को याद होते हैं, वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ ऐसे कैलकुलेशन में आया, सपोज 52.5 आ गया या 49 आ गया, तो भी अपन को टाइम लगेगा, वो क्वेश्चन में गिवन होता है, वैसे तो हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं, दैट इज अबाउट द डाइपोल। तो ये मतलब डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट है जिसमें अपन से न्यूमेरिकल पूछ सकते हो, न्यूमेरिकल मैक्सिमम, अदरवाइज दे कैन आस्क लाइक दिस। अब मैं थर्ड पॉइंट लिख लेता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल, ऑर्डर ऑफ डाइपोल। अब वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ट्वाइस ऑफ डेल्टा, राइट ना, मुझे उसमें आगे बताने की जरूरत नहीं। अब अगर अपन लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो अपन चेक कर लेते हैं भाई कैसे अपन को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट बताना है। तो जैसे मुझे गिवन है ऐसे, मैं दो ही मॉलिक्यूल लेता हूं, अपन कुछ एग्जांपल लेंगे ऐसे। सपोज मेरे पास NH3 गिवन है और मेरे पास NF3 गिवन है, बस इन दोनों में ही ऑर्डर लिखते हैं, तो इन दोनों में ऑर्डर मतलब द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट कर देता हूं मैं, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर पर लिख लेंगे। तो दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इस टाइप से क्वेश्चन अपन से पूछेंगे। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे बताएंगे, अपन कहेंगे हमारे पास NH3 है, वी नो दैट हाउ इट इज, है ना, NH3 तो ऐसे रहता है, O3D स्ट्रक्चर अपन को पता है, बॉन्ड एंगल भी अपन को पता है 107, उधर NF3 होगा, तो अपन क्या करेंगे, NF3 विल बी लाइक दिस, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी F है, इस पे भी F है, ये भी F है और ये भी F है। अब अपन क्या करेंगे,
अपन कहेंगे देखो भाई, अगर मुझे डाइपोल मोमेंट दोनों में से बताना है किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो मैं उसमें ऐसे करूंगा डाइपोल मोमेंट, अपन इसको ना अब थ्योरेटिकल पार्ट में, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट खत्म हो गया, किसी का क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। अच्छा, उसने आंसर बताया अपन को, ठीक है, मैं सबको मतलब उसमें एक बार चेक कर लेता हूं कैसे जाता है। इसका वेक्टर इधर होना चाहिए, इसका वेक्टर इधर होना चाहिए, इसका वेक्टर इधर होना चाहिए, और लोन पेयर का वेक्टर इधर होना चाहिए। अब अपन रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, उधर पहले चेक कर लेते हैं। इसका वेक्टर इधर होना चाहिए, इसका वेक्टर इधर होना चाहिए, इसका वेक्टर इधर होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर का वेक्टर इधर होना चाहिए। अब अपन वेक्टर डायरेक्शन देखते हैं, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा और ये इसको देगा, मतलब इसमें तो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में, उधर चेक करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ये भी पुल करेगा, ये भी पुल करेगा, लेकिन ये उधर लोन पेयर उधर जाना चाहता है, मतलब ये तीन वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है लेकिन एक वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, ये चारों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में थे। ओवरऑल यहां पर क्या लिखूंगा मैं, तो मैं कहूंगा भाई ओवरऑल तो तीन फ्लोरीन इस नाइट्रोजन से पुल करेंगे, तो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लाना ही पड़ेगा, दैट इज अपोजिट, जिसकी वजह से वो अपोजिट वेक्टर जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इसका, क्योंकि इसके सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब है अमोनिया इज मोर पोलर देन NF3। लेकिन अपन को क्या लगेगा, नहीं नहीं सर उसमें तो फ्लोरीन है तीन तीन, तो उसमें तीन फ्लोरीन है तो उसको ज्यादा होना चाहिए, तो नहीं भाई अपन को मूवमेंट देखना पड़ेगा ना, वेक्टर्स तभी अपन ने डाइपोल मोमेंट पढ़ा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तभी मैं आपसे बोल रहा था कि वो ना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन अपन वेट करते हैं, देख तो ले किसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा, इसका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगा, इससे ज्यादा पोलर है, तो फिर कुछ समझ में आ गया। अच्छा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मुझे दूसरे मॉलिक्यूल में कैसे बताने हैं, जो मॉलिक्यूल्स मुझे बता सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सपोज अपने पास ऐसे किटन है और अपन से पूछा कि दोनों में से डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका होगा। सपोज मेरे पास H2O है और मेरे पास H2S है, तो अपन कहेंगे देखो भाई दोनों ही केसेस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम तो यही है ऑक्सीजन, इधर इसके लिए भी है, तो इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे और इसका डाइपोल मोमेंट इधर, लेकिन अपन कहेंगे द वेक्टर ना रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस। इस केस में अपन कहेंगे अच्छा इसमें तो सल्फर है, इसमें भी दो लोन पेयर हो गए और इसमें भी हाइड्रोजन हो गया, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट ऐसे, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे, इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि ये ऐसे है, ये ऐसे, इसमें भी ये ऐसे था, ये ऐसे था। अब किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा कैसे बताएंगे अपन, तो अपन कहेंगे वेक्टर स्ट्रेंथ से, इसका वेक्टर स्ट्रेंथ OH ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है, इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस का, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम, तो इसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी उसके कंपैरिजन में, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर भी ज्यादा होगा, क्योंकि आप ऐसे लिखोगे रिजल्टेंट वेक्टर 2 × राइट ना, विल राइट दैट, इसमें पर लिखेंगे दैट इज म्यू ऑफ OH एंड cos थीटा / 2 राइट। तो अपन क्या करेंगे, इसमें भी अपन लिखेंगे म्यू ऑफ OH एंड cos थीटा / 2, इसमें इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो अपन कहेंगे एक बात बताओ आप, इसमें थीटा 105 है, इसमें थीटा 92 या 93 होगा, इससे ज्यादा नहीं होता 93 से, उसमें तो अपन हाइब्रिडाइजेशन बताते ही नहीं, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा है उसमें बॉन्ड एंगल कम है, इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा है उसमें बॉन्ड एंगल कम है, तो अपन क्या बोले उसमें कि मतलब इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए या उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, तो अपन कहेंगे भाई देखो डाइपोल मोमेंट अगर दोनों के चेक करूंगा तो ये तो डिपेंड करेगा, आप दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इस पे और इस पे, आप दोनों फैक्टर्स मुझे दे दो, इसका थीटा / 2 मुझे 0.6 पता है, उसमें ऑलमोस्ट 90/2 होगा लेकिन बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ा है ये वाला, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है ना इन दोनों में, सल्फर इज ओनली 2.4 ना उसके आसपास होगा और जबकि हाइड्रोजन इज 2.1, उसमें पोलैरिटी बहुत कम, तो डाइपोल मोमेंट डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे अगर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है राइट। तो अपन कहेंगे भाई इन दोनों में डाइपोल मोमेंट अपन ऐसे नहीं बता सकते, इसमें तो अपन बस ये बता सकते हैं जिसकी पोलैरिटी ज्यादा है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो किसकी पोलैरिटी ज्यादा है, H2O बॉन्ड में ज्यादा पोलर बॉन्ड है, और ज्यादा पोलर बॉन्ड हमें कैसे पता चला कि पोलैरिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उसकी पोलैरिटी ज्यादा,
उसके लिए ये वैल्यू ज्यादा डायवर्टिंग होगा, क्योंकि ये तो खुद ही डाइपोल मोमेंट है ना, इसका ट्वाइस करना ना अपन को, तो अपन बता देंगे भाई इसमें तो डाइपोल मोमेंट H2O का ज्यादा होगा H2S। तो डाइपोल मोमेंट जो पूछेंगे ना वो इसमें क्या करते हैं, या तो सेंट्रल एटम को सेम रखते हैं, अदर एटम को चेंज करेंगे और फिर डाइपोल मोमेंट को चेंज पूछते हैं। अगर मान लो अलग अलग मॉलिक्यूल है तो अपन कहेंगे फिर तो हम सीधा पोलैरिटी चेक करेंगे, हम क्यों चेक करेंगे उसमें भाई, सेंट्रल एटम ही चेंज कर दिया आपने तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही चेक करेंगे, दूसरा कोई फैक्टर नहीं करने वाला। तो फिर अपन कहेंगे अच्छा ठीक है इन दोनों में डाइपोल मोमेंट बताओ कैसे होगा, फिर अपन कहेंगे अच्छा ठीक है मान लिया कि अगर सेंट्रल एटम सेम है अदर एटम को चेंज करोगे तो चेक करना, थोड़ा फैक्टर हम देख के बता सकते हैं, लेकिन अगर सेंट्रल एटम ही आपने चेंज कर दिया अदर एटम को सेम रखा तो फिर उसमें आपको वैल्यूज देना पड़ेगा, नहीं तो मैं पोलैरिटी से बता दूंगा। ओके ठीक है भाई, इसमें मान लो मेरे पास ऐसे कितने है, मेरे पास CH3CN है और मेरे पास CH2Cl2। अच्छा ठीक है, अब आपने सही काम किया, कैसे, सेंट्रल एटम आपने कार्बन रखा, अब सेंट्रल एटम आपने कार्बन रखा हुआ है, अदर एटम आपने चेंज किया तो वो चलेगा, उसमें अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन क्या करें, तो अपन कहेंगे देखो इसमें डाइपोल मोमेंट अगर मैं चेक करूंगा ना तो मैं चेक करके बता सकता हूँ कि डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा। तो इन दोनों में वैसे किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए वैसे तुम्हारे हिसाब से, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? बोलो भाई इसमें कोई आइडिया है? अब इनमें तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इट विल बी लाइक दैट ना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा बता देंगे, चलो उसकी बात करते हैं। उसमें डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा इससे, लेकिन उसमें तो दो सीएल है, तो अपन ने कहा सेंट्रल एटम चेंज करो, अदर एटम के चेंज करने से थोड़ी अपन डाइपोल मोमेंट ऐसे बताएंगे, चलो देखते हैं कैसे बताएंगे। उधर क्या बता रहे, कार्बन और सीएल में बॉन्ड, उसको मैं थोड़ा ऐसे मतलब बना रहा हूं ताकि अपन अच्छे से उसको देख पाए। सीएल हो गया, मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास हाइड्रोजन एक ऐसे है और एक हाइड्रोजन ऐसे, ये है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा डाइपोल मोमेंट बनाता, मेरे पास दूसरा एक सीएल इधर है, एक सीएल इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है, और मैं इसको उठा देता हूं, फिर इसकी तो जरूरत नहीं है अपन को, है ना, और इस डाइपोल मोमेंट को अपन ऐसे बनाते हैं। अब क्या होगा, ये इसको देखा, ये इसको देखा, ये इसको देखा और ये इसको देखा, ऑल इन द सेम डायरेक्शन। अभी पता क्या होगा, ये इसको देखा, ये इसको देखा, ये इसको देखा, ये इसको देखा, अब क्या हुआ, तो अपन कहेंगे ये तो गड़बड़ हो गई, दो हाइड्रोजन कार्बन को देंगे और कार्बन दो क्लोरीन को देगा, अगर दो क्लोरीन को देगा तो मुझे रिजल्टेंट कैलकुलेट करना होगा, मुझे रिजल्टेंट कैलकुलेट करना होगा ऐसे इन दोनों का रिजल्टेंट, और उसमें ये थीटा है, ऑब्वियसली बात है जो थीटा वहां आएगा वो थीटा 109.28 मिनट से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि ये बड़े एटम्स है ना, अगर सभी एक जैसे होते हैं हाइड्रोजन तो अपन सभी बॉन्ड एंगल को एक जैसा मान लेते हैं 109.28 मिनट, लेकिन अगर ये एटम्स बड़े हैं तो अपन उसको इक्वल नहीं मानेंगे 109.28, क्योंकि ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल भी बड़ा होना चाहिए, जैसे यहाँ पर ये वाला बॉन्ड एंगल इक्वल होगा लेकिन बाकी सारे बॉन्ड एंगल डिफरेंट होंगे इनसे, ये इक्वल होगा क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन है ना आपस में। तो अपन बता सकते हैं कि भाई अपन को कैसे बॉन्ड एंगल के बेसिस पे कैसे बताना है अपन को डायपोल मोमेंट, ठीक है ना। भाई इस केस में अपन क्या करेंगे कि भाई देखो डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉन्ड, ये मूवमेंट को अपन कहते हैं डाइपोल मोमेंट। अब अपन क्या करेंगे, अगर मान लो इसको इलेक्ट्रॉन कहीं से मिले तो ये इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा, वही तो अपन कह रहे थे
इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था, ये इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुल कर पाएगा, ज्यादा मिलेगा तो ये दूर जाएंगे तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं था तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल नहीं करने वाला, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो ये दे भी पाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई चलो मान लिया। इसमें क्या होगा, इसमें ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको इलेक्ट्रॉन तो मिले लेकिन इसको देगा तो ये भी छीन रहा है, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा तो उसको नहीं दे पाएगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो वो भी लेना चाहता है इसलिए इसको भी नहीं दे पा रहा, मतलब दोनों में से किसी तरफ भी उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट नहीं कर पाया, ना इसकी तरफ शिफ्ट कर पाया बिकॉज ये भी पुल कर रहा था, और ना इसकी तरफ शिफ्ट कर पाया क्योंकि वो भी पुल कर रहा था। तो फिर इसमें तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कम हो जाना चाहिए, इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कम होगा इन दोनों में से, इसका डाइपोल मोमेंट क्योंकि इसमें तो सारे के सारे उसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा इस, और इसका डाइपोल मोमेंट और भी ज्यादा होगा इससे, और इसका डाइपोल मोमेंट अपन कहेंगे उसका तो जीरो मान लें, लेकिन उसमें तो चार सीएल है उसको जीरो कैसे माने, हाँ तो सिमेट्रिक है ना, चार सीएल होंगे तो ऐसे हो गया ना, चार सीएल होंगे तो सारे के सारे डाइपोल मोमेंट ऐसे हो गए ना, फिर तो ये लो आप बता दो रिजल्टेंट क्या होगा, सभी के बीच में बॉन्डिंग इक्वल है 109.28 मिनट्स। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा अगर सारे वेक्टर्स एक ही पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहे हैं और सबके बीच में बॉन्डिंग एंगल एक जैसा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या लेंगे, जीरो। तो अपन कहेंगे लेकिन कार्बन और सीएल तो पोलर बॉन्ड है, हाँ तो पोलर बॉन्ड है, मॉलिक्यूल थोड़ी पोलर है। आपने अगर ये पूछा है कि बताओ कार्बन सीएल का बॉन्ड पोलर है तो हाँ है, लेकिन अगर आप पूछोगे मॉलिक्यूल पोलर है तो मना कर दूंगा, रिजल्टेंट तो जीरो। ठीक है भाई, तो यहां पर ये डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन अपन को थोड़ा सा आइडिया आ गया कि डाइपोल मोमेंट कैसे अपन को चेक करना होता है, राइट। ठीक है भाई, अच्छा ठीक है, अगर मेरे पास ऐसे ही है CH3F और CH3Cl, दोनों में से डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका होगा, तो अपन कहेंगे उसमें क्या है डाइपोल मोमेंट चेक कर रहा है ना दोनों में से, तो डाइपोल मोमेंट बता सकता हूं किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा, क्लोरीन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसका भी डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा, बट इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा इससे, तो वो कैसे, फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, मैं एक मिनट क्वेश्चन देख लूं किसी का आया है और उसके बाद फिर चेक करते हैं। Why we have not checked the lone pair of numerical? कौन सा न्यूमेरिकल में अपन ने लोन पेयर चेक नहीं किया, किया तो था, लोन पेयर का बॉन्ड लेंथ कहां से लाओगे भाई, न्यूमेरिकल जो कह रहा है ना ट्राइटमिक मॉलिक्यूल उसमें कह रहा है, वो कह रहा है कि आपने ऐसे किया था आपने लोन पेयर को क्यों चेक नहीं किया, किया ना, जहां बॉन्ड लेंथ होगा वहीं तो म्यू लिखूंगा, लोन पेयर का म्यू कैसे लिखूं, बॉन्ड लेंथ का है, तो रिजल्टेंट वाले में चेक किया था ना थीटा लिख के, वही तो चेक किया अपन ने, बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन द बॉन्डेड पेयर्स, तो लोन पेयर का बॉन्ड लेंथ थोड़ी होता है, इसलिए सब कुछ चेक हो गया था उसमें जब अपन बॉन्डेड बेस को चेक करेंगे। चलो इधर देखते हैं, पता क्या होगा, कार्बन और फ्लोरीन है, अब मैं इसको हटा देता हूं, कार्बन और फ्लोरीन में ये बॉन्ड है और कार्बन और क्लोरीन में ये बॉन्ड है, नो डाउट इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इधर जो बॉन्ड लेंथ है ना वो बहुत छोटा है, और बॉन्ड लेंथ छोटा होने की वजह से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा शिफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ज्यादा है,
इधर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थोड़ा कम है बिकॉज ये 2p है और वो 3p है, तो ये और पास हो सकते हैं, मतलब बॉन्ड लेंथ शिफ्ट हो सकता है, उसमें बॉन्ड लेंथ शिफ्ट हो सकता है बड़ा बॉन्ड होने की वजह से। तो इसका डाइपोल मोमेंट मतलब मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द फ्लोरीन ज्यादा नहीं होता, इसमें ज्यादा होगा सही से। तो क्या इसमें और ज्यादा लिख देते हैं CH3Br में फिर, क्योंकि वहां तो बॉन्ड लेंथ और भी बड़ा है, तो अपन कहेंगे नहीं ऐसा नहीं, यही ज्यादा होगा, ये बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा है। 2p ऑर्बिटल इसका 2p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है और 2p ओवरलैपिंग सबसे अच्छा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होता है, इसलिए इसमें ज्यादा चांसेस नहीं है शिफ्ट होने के, ये ज्यादा ही शिफ्ट होगा इसके कंपैरिजन में क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। भाई होना तो यही चाहिए था, यहाँ तो आपने HF ज्यादा लिखा है HCl से, यहाँ कह रहे हो CH3F ऐसे होगा, हाँ तो ये तो प्रोटॉन है ना, इलेक्ट्रॉन देना ही जानता है बस, वो दे ही देगा इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ी प्रोटॉन था, ये तो कार्बन है, कार्बन इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है इसके कंपैरिजन। अपन क्या करते हैं इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, गड़बड़ नहीं करेंगे। CH3F का डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड लेंथ मतलब मैंने आपको बताया ना, रीजन यही होता है कि उसमें ज्यादा शिफ्टिंग नहीं होता, दैट इज अ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, तो अपन उसमें ज्यादा नहीं बोल रहे, फिर अपन उसको बस ध्यान रख लेते हैं कि भाई इसमें ऐसे ही होगा, हम उसमें ज्यादा नहीं बोल रहे। CH3 इज अ हाइड्रोकार्बन ग्रुप, तो फ्लोरोमीथेन क्लोरोमीथेन में क्लोरोमीथेन का ज्यादा होता है फ्लोरोमीथेन से, अपन इसको याद रख लेते हैं। सेवेंथ पार्ट में अब अपन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में पहले अपन ऐसे एक बार देख लेते हैं, मान लो मेरे पास AB टाइप एक मॉलिक्यूल है, AB2 टाइप मॉलिक्यूल है, ज्यादा से ज्यादा अपन को यही पूछेंगे AB2 टाइप में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। मान लो मेरे पास A और B, ऐसे A और B दो मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें A इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वैसे अपन को पता है जो सेंट्रल एटम होता है वो जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है अदर एटम के कंपैरिजन में। तो अगर मान लो A और B में ये थीटा वन है, ए और बी में ये थीटा टू है और ए और बी में अपन को ऐसे लिखना है, ये थीटा थ्री। तो अगर अपन से कोई पूछेगा तो किसका बॉन्डिंग बॉन्ड किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, मतलब इसमें ए का डाइपोल मोमेंट, बी का डाइपोल मोमेंट या सी का, वन का टू का या थ्री का, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसमें होगा, ए इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन बी, तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है आपने लिखा हुआ है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हियर डाइपोल मोमेंट हो गया, ये तो परपेंडिकुलर हो गया एक दूसरे से, ये इसका डाइपोल मोमेंट, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो अपन कहेंगे सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट उसका होगा अगर एक ही टाइप के एटम्स हैं, तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा जिसमें थीटा का वैल्यू सबसे कम, क्यों, क्योंकि ये तो एक ही डायरेक्शन में दोनों को वेक्टर ऐड करूंगा रिजल्टेंट, ये तो 45 पे है ऑब्वियसली बात, अपन को पता है क्या हो जाएगा, और इसमें थीटा का वैल्यू जो होगा थीटा 3 दैट इज मोर देन 90, इन दैट केस तब तो अपन कहेंगे वेक्टर सब्सट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, भाई दो वेक्टर्स जब अगर है वेक्टर मूवमेंट अपन को पता है दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन है, मतलब अगर अपन ऐसे लिख लें वेक्टर को तो दोनों को स्ट्रेंथ अगर एक जैसे है तो ऐड करेंगे ना, और जैसे जैसे मतलब वो बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा वेक्टर क्या होता जाएगा, वेक्टर स्ट्रेंथ रिजल्टेंट वेक्टर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा कम होता जाएगा, यहाँ पर एडिशन बंद कर दूंगा 90 डिग्री, उसके बाद सब्सट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन शुरू हो जाएगा और ऐसे हो गया तो अपोजिट रिजल्टेंट वेक्टर्स हो जाएंगे, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू 180 से कम होता जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर बढ़ता जाएगा। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में मैंने इसलिए ऐसे इसको एग्जांपल को लिया पहले, क्योंकि अगर मान लो मेरे पास ऐसी
है ना, डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। अभी डाइक्लोरोबेंजीन में व्हाट विल राइट अपन, ऐसे लिख डाइक्लोरो, मेरे पास ऐसा ठीक है, ठीक है इसको ना बेंजीन को अपन को पता है, ऐसे अल्टरनेट कहीं भी डबल बॉन्ड लिख सकते हैं, इसलिए अपन उसमें ऐसे सर्कल भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जहां चाहो लिख लो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए बस, दैट्स व्हाई वी राइट। इसमें मेरे पास ऐसे लिखा, फिर अपन से पूछा कि बताओ डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, तो अपन बता देंगे। इसमें पहले अपन वेक्टर्स लिखेंगे, कार्बन से ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसका वेक्टर मोमेंट ऐसे, इसका वेक्टर मोमेंट ऐसे होगा, इसका वेक्टर मोमेंट ऐसे होगा, इसका वेक्टर मोमेंट ऐसे होगा, इसका वेक्टर मोमेंट ऐसे, इसका वेक्टर मोमेंट ऐसे, ये तो 180 है, ये 120 एंगल होगा ना इन दोनों के बीच में, 120 एंगल, ये 180 एंगल, ये 60 डिग्री है, ये कुछ ऐसे ही लग रहे हैं कि भाई अगर 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है तब तो अपोजिट वेक्टर्स हो गए, वो तो कैंसिल हो जाएगा, थीटा अगर छोटा होगा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा क्योंकि वेक्टर ऐड है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, सी का तो जीरो हो जाएगा इसका डाइपोल, न्यू विल बी ठीक है। अगर मान ले मैंने ऐसे लिखा एक क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल, ठीक है मेरे पास ऐसे कर, ठीक ऐसे कर, ठीक ऐसे कर, ठीक ऐसे कर, और एक ऐसे, ये दोनों ही सी है। अब आप मुझे बताओ किसका डाइपोल मोमेंट, मतलब ऑर्डर आपको बताना है, मैंने आपको समझाया कैसे बताते हैं, इधर भी जो सीएल है ये दिख नहीं रहा है, मैं इसको हटा देता हूं, मैं करना इसको ऐसे हटा लेते हैं, इधर डी लिख लेते हैं, अपने वेक्टर्स काफी बड़ा हुआ, अपने वेक्टर्स काफी बड़ा हुआ है, इसलिए मैंने आपको, आपको सिर्फ वेक्टर डायरेक्शन चेक, कैसे चेक करेंगे डाइपोल मोमेंट, क्या करेंगे अपन, लिखेंगे वेक्टर्स, गुड मेरे पास आंसर आया एक, ठीक है मैं चार एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था, मुझे लगा तुम लोग कुछ नहीं बताओगे इसलिए मुझे खुद ही करना पड़ेगा, एक आंसर सही आया मेरे पास, ठीक है
कुछ कुछ आंसर अपने पास सही भी आए हैं, तो चलो देखते हैं अपन, है एक बार मैं ट्राई करके देख लूँ। वैसे आंसर अपन को मतलब कुछ बच्चों ने सही दिए, कुछ बच्चों ने गलत दिए, लेकिन आंसर कहीं तो कहीं सही तो है। इधर देखते हैं अपन, है ए में पहले वेक्टर चेक कर लेते हैं भाई, ये वाला वेक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका वेक्टर डाइपोल मोमेंट सिर्फ ऐसे चेक करना है मुझे, एक सीएल को लेके बस, तो कैंसिल हो गया वेक्टर, तो यहां एक ही सीएल को लेके चलना है मुझे बस। इनमें सभी के बीच में बॉन्डिंग का जो है ना वो 120 है, सो द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी जीरो। 120 अगर है तो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू जीरो, अगर बॉन्डिंग एंगल सेम होता है तो। इधर चेक करूंगा, पहले इधर चेक कर लेता हूं, अगर दो वेक्टर्स हैं राइट ना, दो वेक्टर्स हैं और इसके बीच में बॉन्डिंग एंगल 120 है, मतलब मुझे रिजल्टेंट वेक्टर के लिए थीटा कितना लेना पड़ेगा, 60, मतलब cos theta by 2 will be equal to cos theta cos 60 लेना पड़ेगा। अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में यहां भी CL है यहां भी CL है, तो फिर इन दोनों के केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो एक ही CL के लिए आएगा, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा ना वो ऐसे बनेगा इसके लिए, इसका वेक्टर ऐसे बनेगा, एक ही सीएल के लिए बना दो, ये दोनों इक्वल होने वाले हैं। अगर बॉन्डिंग एंगल 120 है दो वेक्टर्स के बीच में, तो फिर दोनों में से किसी एक वेक्टर का स्ट्रेंथ ले लो, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर वो एक के स्ट्रेंथ के बराबर आएगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर अपन कहेंगे देखो भाई अगर मैं इसको हटा लू तो एक सीएल के बराबर तो आएगा ही आएगा, और एक सीएल और भी है पहले से वहां पर, मतलब इसका अपना वेक्टर तो रहेगा ही, इन दोनों से एक और सीएल का वेक्टर आएगा, मतलब जितना इसका होगा इसका डबल होगा वेक्टर, जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, और इसका सी का इन दोनों के कंपैरिजन में डबल होगा, क्योंकि एक तो पहले एक 120 की वजह से एक सीएल के बराबर होगा और एक सीएल पहले से वहां पर है, इन दोनों के को अगर कंसिडर ना करें तो इसकी वजह से तो होगा ही होगा, और इन दोनों की वजह से एक और सीएल के बराबर आएगा सबसे ज्यादा। उसके बाद एक, उसके बाद बी दैट इज जीरो, ये तो बड़ा इजी हो गया, अपन को बस चेक करना होता है भाई एंगल क्या क्या गिवन है, इसलिए मैंने आपको पहले एंगल बताया था कि आप पहले एंगल देख लो फिर वेक्टर्स की बात, ठीक है वी गॉट दैट। अब अपन चेक करते हैं, मतलब हमने कंपाउंड में भी अपन को पता चल गया कैसे अपन को पता चल रहा है बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में। अब मान लो मेरे पास ऐसे किताब, एक एग्जांपल मेरे पास ना ऐसा, इसमें भी अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात, ठीक है राइट, मैं देखना म्यूट रखना अपने आप को, सब लोग बाकी सब भी पढ़ रहे हैं। एक बार मेरे पास ऐसे किताब और एक बार मेरे पास ऐसे, आवाज किसके जा रही है, अर्णव के यहां से ना, बिल्कुल मैंने वही चेक किया, मैंने बोला भी था। तो क्या करूं, उसको भगा दिया जाए, मैंने कहा भी था कि आप लोग अपने आप को म्यूट करके रखो,
चलो बेचारे से पहली बार गलती हुई है तो जाना। अच्छा मैं बात कर रहा था OH और CL ऐसे, और अपन से कहा गया बताओ। हाँ रहने दो, मतलब उसने सुना भी था, वो गलती से हो गया होगा इसलिए अपन उसे रहने देते हैं इस बार। अपन ऐसे करते हैं इन दोनों में से डाइपोल मोमेंट चेक करते हैं किसका ज्यादा होगा। अब देखो जब मॉलिक्यूल गिवन है और अपन को ये पता ना चले कि कैसे डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है तो अपन ना डिफरेंस वाले पार्ट पे फोकस किया करेंगे। इसका डाइपोल मोमेंट और इसका डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है मुझे, तो अपन क्या करेंगे इसमें भी बॉन्ड एंगल 60 है, इसमें भी बॉन्डिंग 60, लेकिन पता है इसमें क्या है, हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग की वजह से ये हाइड्रोजन इसको अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना क्योंकि एच बॉन्डिंग है ना यहां पर, तो थीटा विल बी लेस देन 60। इसमें एच बॉन्डिंग है, इसमें एच बॉन्डिंग नहीं है। अगर इसमें एच बॉन्डिंग नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है इसका थीटा तो बड़ा ही होगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 लिख लेते कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए तो लेस देन 60 होगा, रीजन बिकॉज ऑफ, और अगर थीटा का वैल्यू छोटा होगा तो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, इसका मतलब है ए का डाइपोल मोमेंट बी से ज्यादा होगा। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना इसमें, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो दोनों ग्रुप पास आएंगे, पास आएंगे तो ऑब्वियसली बात है उनमें बॉन्ड एंगल कम होगा, बॉन्ड एंगल अगर कम होगा तो डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, क्यों, ये भी इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इसका थीटा छोटा है, थीटा अगर छोटा होगा तो डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, लाइक दैट वी कैन राइट एन इक्वेशन। इन वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख रहा हूं वापस, ये भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के होते हैं ज्योमेट्रिक लाइसोमर्स। ज्योमेट्रिक लाइसोमर्स में क्या होता है वो कहता है, एक पहले मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख देता हूं पहले, फिर अपन देखते हैं व्हाट इज ज्योमेट्रिक लाइसोमर्स। मेरे पास ऐसे सीएल के बने, यहाँ भी मेरे पास सीएल गिवन है, यहाँ पर मेरे पास एच गिवन है, यहाँ पर मेरे पास एच गिवन है, यहाँ पर मेरे पास सीएल गिवन है, यहाँ पर भी मेरे पास सीएल गिवन है, यहाँ पर एच गिवन है, यहाँ पर एच गिवन है। अब चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं, हम सबको पता है ये sp2 hybridized, ये भी sp2 hybridized, मतलब इससे जो भी एटम अटैच होंगे उनके सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे, इससे जो भी एटम अटैच्ड होंगे उनके सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे, पाई बॉन्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल, अपन को पहले से पता है। अपन क्या करेंगे अगर पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन है तो अपन कहेंगे देखो भाई ये सारे एटम एक ही प्लेन में है, ये सारे एटम एक ही प्लेन में है, ये सारे एटम एक ही प्लेन में है, अगर दो कार्बन एटम जिनके बीच में डबल बॉन्ड हो, दो कार्बन एटम जिनके बीच में डबल बॉन्ड, दो कार्बन एटम जिनके बीच में डबल बॉन्ड हो उनसे जो एटम अटैच्ड है अगर वो 180 डिग्री पे हो, मतलब अपोजिट एंड पे हो, तो मैं इसको अपोजिट मतलब ट्रांस आइसोमर बोलता हूं, और अगर वो अपोजिट एंड पे ना हो एडजेसेंट साइट हो तो मैं उसे सिज आइसोमर बोलता हूं। ये सिजो ट्रांस जो होते हैं, अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है,
दोनों के स्ट्रक्चर भी एक जैसे दिख रहे हैं, बस अरेंजमेंट ऑफ एटम अलग अलग है, उसी को कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अच्छा ठीक है, मुझे क्या करना है, दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, उनसे अटैच्ड है या ग्रुप अटैच्ड है। अगर वो अपोजिट साइड पे है तो उसको ट्रांस आइसोमर बोल दूंगा, और अगर वो सेम साइड पे है तो उनको सिस आइसोमर बोल दूंगा, बस यही ना। बिल्कुल, अब मैं इसके इसमें डाइपोल मोमेंट चेक कर लेता, ये तो सिस और ट्रांस वाली बात होगी, चलो लिखा भी रहेगा क्या फर्क पड़ेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे। ये दोनों अपोजिट पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये दोनों अपोजिट पैरेलल वेक्टर्स हैं, और ये दोनों अपोजिट पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये ऐसे हैं और जबकि ये ऐसे हैं, मतलब मेरे पास एक पॉइंट से दो वेक्टर ऐसे निकल रहे हैं और एक पॉइंट पे दो वेक्टर ऐसे आ रहे हैं। इसको इससे कैंसिल कर दूंगा, इसको इससे कैंसिल कर दूंगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, जीरो। इसमें ये वेक्टर ऐसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये वेक्टर ऐसे, ये वेक्टर ऐसे, ये वाला वेक्टर पूरा इस डायरेक्शन में, ये वाला वेक्टर पूरा इस डायरेक्शन में है, इसका डाइपोल मोमेंट होगा, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब डाइपोल मोमेंट, अगर मैं इसको ए लिखता हूं, इसको बी लिखता हूं, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, दैट इज द ऑर्डर ऑफ डाइपोल, दैट इज द ऑर्डर ऑफ डाइपोल। अगर मैं इसकी जगह ऐसे लिख रहा हूं, मेरे पास गिवन है CH3 डबल CH3 H, ये भी 120 डिग्री के आसपास होगा बॉन्ड एंगल, क्योंकि अपन को पता है ये भी sp2, ये भी sp2। एक दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूं, ये गिवन है मुझे, ठीक है, ये अपन को गिवन है, ये मुझे गिवन है, और इसमें मुझसे पूछा कि भाई बताओ डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, तो मैं क्या करूंगा, अब ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा अगर दोनों ही कार्बन है, तो अपन कहेंगे दोनों कार्बन तो हैं, लेकिन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 है, ये sp3 है और ये sp2 है। अगर एटम में, अगर सेम एटम है तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा, अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इसमें 33% एस कैरेक्टर है, इसमें 25% एस कैरेक्टर है, तो अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, ये sp3 है, ये 25% होगा और ये sp2 है, इसमें 33% होगा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो कार्बन एटम डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सिंगल वाले से, जो कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा डबल वाले से, ये अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ। इसका वेक्टर ऐसे, इसका वेक्टर ऐसे, इसका वेक्टर ऐसे और इसका वेक्टर ऐसे, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे लिखूंगा। ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, दे आर अपोजिट वेक्टर विद द सेम स्ट्रेंथ, ये भी CH3 कार्बन, ये भी CH3 कार्बन, मतलब उनका स्ट्रेंथ सेम होगा। ये हाइड्रोजन की तरफ जाएगा, हाइड्रोजन से कार्बन, ये हाइड्रोजन से कार्बन, दोनों वेक्टर का सेम स्ट्रेंथ है, म्यू विल बी इक्वल टू जीरो। दिस इज अ ट्रांस मॉलिक्यूल, जनरली क्या होता है, ट्रांस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, जनरली बोला मैंने, है हमेशा नहीं बोला, डाइपोल मोमेंट ट्रांस वाले का जनरली जीरो होगा, अगर ऐसे होगा तो। अगर मान लो मेरे पास ऐसे, ये भी ट्रांस जैसे होगा क्योंकि दोनों हाइड्रोजन अपोजिट हो गए ना, हाइड्रोजन के बेसिस पे बोल रहा हूं, लेकिन ये ट्रांस होने के बाद भी इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, वो क्यों, क्योंकि वेक्टर स्ट्रेंथ ऑफ CH3 कार्बन एंड वेक्टर स्ट्रेंथ ऑफ C2H5 कार्बन, ये अलग ग्रुप है इससे,
मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर अलग अलग स्ट्रेंथ होना चाहिए। अगर वेक्टर अलग अलग स्ट्रेंथ के होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा कार्बन है तो ओवरऑल इस डायरेक्शन में आना चाहिए। ये वाला कैंसिल हो जाएगा नो डाउट, क्योंकि दोनों ही कार्बन हाइड्रोजन थे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन तो है लेकिन इक्वल स्ट्रेंथ नहीं है। ये जैसे ये वाले वेक्टर्स थे भाई, वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो है और उनके स्ट्रेंथ भी इक्वल है। यहां पर वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो है लेकिन उनके स्ट्रेंथ इक्वल नहीं है। इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है इससे, मतलब ये ट्रांस आइसोमर तो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं ना, ट्रांस आइसोमर ट्रांस तो है लेकिन म्यू इज नॉट इक्वल टू। वीडियो लैग कर रहा है क्या? नहीं हो रहा भाई, तो जिसको लैग कर रहा है वो वापस रीजॉइन कर ले, है ना। चलो अपन दूसरा देखते हैं। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे के बने, जैसे और भी ले लेते हैं भाई, मैं कहूंगा कि मेरे पास इसमें जैसे अपन ने ये लिखा इसमें ना डाइकोलमेंट, सो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इवन इट इफ इट इज ट्रांस। भाई इसमें तो ये भी मतलब अगर सिस भी लिखोगे तब भी जीरो नहीं है, ट्रांस लिखोगे तब भी जीरो नहीं। सिस आइसोमर होता है तब तो होता ही नहीं, वो तो उसका डाइपोलमेंट तो होता ही है, जीरो होता ही नहीं। लेकिन अगर सिस नहीं है तब भी वो डाइपोलमेंट वहां पर जीरो नहीं देगा, और ये ट्रांस है तब भी इसका डाइपोलमेंट जीरो नहीं है। अच्छा ठीक है, अब वेक्टर्स आपको एक बार तो पता चल गया डबल बॉन्ड में आपको कैसे लिखना होता है। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे करके दिखाना दोनों में से किसका डाइपोलमेंट ज्यादा होगा। अब मैं ज्यादा पूछ रहा हूँ, इसमें तो अपन कहेंगे कि भाई इससे ज्यादा ही होगा ट्रांसफर से कैंसिल होगा, तो इसमें अगर अपन चेक करेंगे तो डाइपोलमेंट इसका ज्यादा होगा। अब इस वाले में आप मुझे कैलकुलेट करके बताने वाले हो किसका ज्यादा होगा। इन दोनों में से डाइपोलमेंट ज्यादा किसका होगा, मैं इसको ए और बी भी लिख देता, तो आप आंसर भी दे सकते हो ए और बी में इसका ज्यादा। तो मुझे आंसर मिलने वाला है और मुझे एक आंसर मिला, समझ में आया सबको? तो मैं वेक्टर डायरेक्शन लिख लूं, किसका डाइपोलमेंट ज्यादा है। ए का डाइपोलमेंट ज्यादा होगा बी से। भाई हाइड्रोजन वाला तो कैंसिल हो गया ना। अच्छा बताओ फिर
ये वेक्टर्स ज्यादा होंगे या ये वेक्टर्स ज्यादा होंगे, इन दोनों में से कौन सा वेक्टर किसका मोमेंट वेक्टर मोमेंट ज्यादा बताऊंगा, ए का वेक्टर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या बी का वेक्टर स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? ए का सबको समझ में आया? पता मैंने आपको बताया कि आपको पहले डायरेक्शन बनाने, डायरेक्शन बनाने के बाद ही बताना, आपको डायरेक्शन बनाने चाहिए थे पहले। आपको क्या लगा, अच्छा ट्रांस वाले का तो कमी होता है सर बताते हैं, तो मैंने कब कहा कि बी को कैंसिल कर रहा है, मैंने कब कहा कि मतलब बी का डाइपोलमेंट जीरो होगा, मैंने तो नहीं कहा कि बी का डाइपोलमेंट जीरो होगा, मैंने कब कहा कि मतलब बी का डाइपोलमेंट जीरो होगा? हाँ तो हाइड्रोजन नहीं हो रहा ना कैंसिल, तो आप इनको ऐड कर लो, हाइड्रोजन और इसको वेक्टर ऐड कर लो और इन दोनों को कैंसिल कर देना भाई, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दो और इन दोनों को मतलब ये तो कैंसिल हो गए भाई, इसमें से थोड़ा सा कैंसिल कर दो डाइपोलमेंट, इसको ऐड कर लो इसके साथ, तो बताओ CH3 कार्बन का एडिशन ठीक रहेगा CH3Cl के साथ या फिर हाइड्रोजन को कंसिडर करें इसको सी और एच को, वो तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हम डाइपोल बॉन्ड किससे चेक करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन तो ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड होता है, 0.3 का डिफरेंस ही तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, मेनली अपन किसको करेंगे चेक। एक बात अच्छे से ध्यान है अपन को कि भाई जब तक मॉलिक्यूल सिमेट्रिक ना हो अपन डाइपोल बॉन्ड उसका जीरो नहीं बताने वाले, ये मुझे कहीं से सिमेट्रिक नहीं लग रहे दोनों, इसको देखने से मुझे कहीं से सिमेट्रिक नहीं लग रहा, इसलिए डाइपोल बॉन्ड जीरो नहीं होगा। अब चेक करते हैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोलमेंट ताकि ये पता चल जाए कि किसका डाइपोलमेंट ज्यादा, मुझे ना बहुत सारे मॉलिक्यूल गिवन है और मुझसे पूछा गया कौन से मॉलिक्यूल पोलर है, तो मैं कहूंगा उसमें क्या, आपने अभी तो बताया डाइपोलमेंट चेक करता हूं, जिसका डाइपोलमेंट जीरो नहीं होगा वो पोलर है, जिसका डाइपोलमेंट जीरो है वो नॉन पोलर है, जिसका डाइपोलमेंट जीरो नहीं होगा उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगे, इंड्यूस डाइपोल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जिसका डाइपोलमेंट जीरो होगा वो वीक लैंडिंग फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस फोर्सेस। तो अपन क्या करता है, मेरे पास ऐसे गिवन है, ये मुझे ये देते हैं, चलो देखते हैं एसेंशियल लाइक दिस, अपन को पोलर बताने ना, इसमें डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से इलेक्ट्रो नेगेटिव, सॉरी जो भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पोलर है, BeCl2 नॉन पोलर है, रीजन CS2 नॉन पोलर है, व्हाट इज सो
PCl3 पोलर होगा, रीजन जो भी हो इट इज नॉट सिमेट्रिक, SO3 नॉन पोलर है, इट इज सिमेट्रिक। SOCl2 वैसे भी डिफरेंट एटम होंगे तो नॉन सिमेट्रिकली होगा। BF4 All the bond angles are 109.28 minutes. सारे bond angle equal होंगे तो resultant force zero होता है। NH4 सारे के सारे bond angle 109.28 minutes. PCl5 will write like this. वो हाइब्रिडाइजेशन अपन को पता है ना, इस उसके बेसिस पर मैं फटाफट कैलकुलेट कर रहा हूँ। आपको पता है कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ? ये दोनों जीरो हो गए, 180 पे होते हैं, और ये तीनों रिजल्टेंट फोर्सेस क्या हो जाएंगे, 120 पे ना ये तीनों, तो रिजल्टेंट विल बी जीरो, इट्स नॉन पोलर। SF4 ओके सल्फर विल हैव लाइक दिस। नॉन पोलर, अनसिमेट्रिकल हो गया, सिमेट्री होता तो मैं उसको पोलर बना देता, इट्स पोलर, अनसिमेट्रिकल है ना तो पोलर होता, अगर सिमेट्री होता तो मैं नॉन पोलर बनाता। ICl3 इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे, I3 नेगेटिव ना, अपन ऐसे करना। कौन है जो किचन में बैठा हुआ? अब कौन था जो किचन में था? सत्यम, तुम लोग क्या करते रहते हो, किचन में बैठे रहते हो? अच्छा ठीक है, शाम होने वाली है ना, खाना वाना बनाना पड़ेगा, ठीक है। सुबह क्लास मत लगाओ क्योंकि झाड़ू पोछा करना है, शाम को क्लास मत लगाओ क्योंकि खाना बनाना है, ठीक है भाई। चलो देख लेते हैं, I3 नेगेटिव, इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर, इनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो, 180 डिग्री बॉन्डिंग। नॉन पोलर है फिर भी बता दूंगा, अपोजिट डायरेक्शन बनेगा जो भी बनेगा, 180 डिग्री, जीरो, इट्स नॉट पोलर। ठीक है, HCF4, चलो देखते हैं। अब मैं ना इन सब को HCF4 मतलब आपको पता है सारा कुछ, मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूँ सारे स्ट्रक्चर्स, वो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करता हूँ मैं इसका। पहले sp3d था, ऐसे बनाया, लोन पेयर वगैरह लिखा, इक्विटोरियल पोजीशन पे वी नो दैट HCF4, यू नो दैट मैं sp3d2 लूं, मुझे उसमें दिख रहा है, उसको देखते ही पता चल जाता है अपन को कि भाई sp3d2 लेना है। एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, चार फ्लोरीन, दो लोन पेयर, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर 90 डिग्री, इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर, लोन पेयर कैंसिल हो गए 180 पे, दोनों एक दूसरे हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए 180 पे, ये दोनों कैंसिल हो गए 180 पे, जीरो, इट्स नॉट पोलर। HCOF4 इट्स लाइक दिस, इट्स पोलर, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये थोड़ी कैंसिल हो सकता है, इट्स पोलर। HCF6 ओके देखते हैं HCF6 कैसे होता है। HCF6 इज द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, वैसे तो अपन उसको d3 लिखना चाहिए, बट अपन उसको स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे लिखते हैं, sp3 d3 होता है, लेकिन ये ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर, थोड़ा एक्सेप्शन में भी आता है, अपन कहते हैं HCF6 क्योंकि पेंटागोनल बाइपिरामिडल बहुत कम मॉलिक्यूल का पॉसिबल है,
दो तीन मॉलिक्यूल होते हैं पेंटागोनल वेक्टर, ठीक है, तो इसमें अपन ऐसे बनाते हैं, ये छह हो गए, ये अपने पास हो गया ऑक्टेट। तो अपन कहेंगे अभी आपने लोन पेयर नहीं दिखाया कहां पर है, ये जो आठ फेसेस बनेंगे ना, चार ऊपर और चार नीचे फेसेस बनते हैं, किसी एक फेस में होता है वो लोन पेयर, तो ठीक है, मतलब डिस्टॉर्ट तो होगा ना, मतलब डिस्टॉर्टेड ऑक्टेटल होता है इसका स्ट्रक्चर, इसको अपन लिखते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टेटल, ये होगा इसका स्ट्रक्चर। तो अगर 90 डिग्री से लोन पेयर को एडजस्ट करना पड़ेगा तो डिस्टॉर्शन जरूर होगा, और डिस्टॉर्शन होगा तो स्पोर O3 क्या करें, O3 का O3 को क्या लिखूं, पोलर या नॉन पोलर, तो अपन कहेंगे स्ट्रक्चर बना लो, तो मैं ऐसे देख के किसी को नहीं बताऊंगा, सिंगुलर शेप, वन ट्वेंटी से छोटा होगा थीटा, एनओ टू नाइट्रोजन है ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो रखोगे ना, इसमें लोन पेयर नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन के पांच इलेक्ट्रॉन थे ना, इट्स लाइक दिस, 180 होता तो लिखता ना नॉन पोलर, ये 180 थोड़ी होता है इसमें, इट इज एंगुलर शेप, CLO2, ठीक है, CLO2 लिखूंगा तो सेंट्रल एटम है जो दो CL, ठीक है, पोलर कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, लोन पेयर एक भी आया मतलब पोलर, इधर ऐसे आया एक COF2, ठीक है, इट इज लाइक दिस, एक COF2, ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये कैंसिल नहीं हुए ना तीनों जो एक ही प्लेन में होता है, स्पूल डाइपोल मोमेंट से अपन ये बता सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है, किस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी नहीं है, तो इस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब अपन इसके अलावा ना डाइपोल मोमेंट में बस अपन से यही क्वेश्चंस पूछते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे अपन को और यही अपन से पूछा जाएगा। अब एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स मेरे ख्याल से मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, पीरियोडिक टेबल में लास्ट में हमने काफी डिस्कस किया, व्हाट इज द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, तो पीरियोडिक टेबल में हमने बहुत सारा पार्ट हमने डिस्कस किया था एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स के, ये आपका मतलब यू कैन से दैट डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट है, और आपका केमिकल बॉन्डिंग फाइव, केमिकल बॉन्डिंग फाइव में थोड़ा एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ है ऑक्साइड्स का, तो अपन में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, टॉप टू बॉटम मेटल ऑक्साइड्स मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, वो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड फुटरेक एसिडिक बेसिक मिक्स्ड ऑक्साइड सब कुछ डिस्कस कर, दिस इज अबाउट द डाइपोल। इसके बाद अपन डिस्कस कर सकते हैं, आप अपना होमवर्क डिस्कस कर सकते हो, नहीं तो मैं केमिकल बॉन्डिंग फोर डिस्कस करूंगा, आप अपना होमवर्क डिस्कस कर सकते हो अभी, नहीं तो मैं केमिकल बॉन्डिंग फोर डिस्कस करूंगा, व्हाट यू रिक्वायर आप लोग जैसा बोलो, बॉन्डिंग फोर शुरू करना है या फिर होमवर्क भी डिस्कस कर सकते हैं, डाउट्स ऑन संडे, बॉन्डिंग फोर शुरू कर ले,
संडे को डाउट्स, ठीक है पढ़ते हैं अपन संडे को डाउट्स कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपन केमिकल बॉन्डिंग फोर की बात कर लेते हैं। तो मैं केमिकल बॉन्डिंग फोर की बात, केमिकल बॉन्डिंग फोर, केमिकल बॉन्डिंग फोर में ना अपन को डिस्कस करना होता है। अब ध्यान रखना है, तुम लोग म्यूट रखना है ना, अब मैं आपको म्यूट रखना, क्योंकि मैं ना अब वो वैसे ना स्पीकर व्यू में रखता हूँ फोन उसको ना, रीजन कि मुझे दिखता है जो पार्ट तुमको नहीं दिखता है तो मैं हटा देता हूँ, कि जो मुझे दिखेगा स्क्रीन पे वो तुमको भी दिखेगा। केमिकल बॉन्डिंग फोर में अपन को दो पार्ट पढ़ने, एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है, दूसरा मेटालिक बॉन्डिंग होता है। मेटेलिक बॉन्डिंग अपन बाद में पढ़ सकते हैं, पहले मतलब दोनों में से दोनों ही अलग अलग हैं, इसलिए अपन को किसी को भी पार्ट को शुरू करो अपन को फर्क नहीं पड़ेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शुरू कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, राइट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज अ मोस्ट एडवांस थ्योरी बोल सकते हैं, है ना, एंड इट इज एप्लीकेशन ऑफ अपन बता सकते हैं दैट इज श्रोडिंगर इक्वेशन, उसका एप्लीकेशन है, एंड इट इज एक्सप्लेन्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब सारे एटॉमिक ऑर्बिटल का अपन कॉम्बिनेशन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मतलब इसमें ना ऐसे नहीं होता, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, अगर मान लो अपन को कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाना है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p ऐसे होगा, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन दूसरे कार्बन का 1s 2s और 2p होगा, ये भी बॉन्डेड होंगे, ये भी बॉन्डेड होंगे, ये भी बॉन्डेड होंगे, मतलब सारे शेल्स बॉन्डेड होते हैं। तो वैसे अपन क्या पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग, भाई वैलेंस शेल ही बॉन्डिंग शो करेंगे बाकी नहीं करेंगे। ये कहता नहीं भाई सारे मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स जो सारे ऑर्बिटल जो है मॉलिक्यूल में वो आपस में बढ़ रहे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को, क्योंकि ये तो काफी बड़ा जब पार्ट होता है, लेकिन मैं इसको इन शॉर्ट आपको बताता हूँ कि व्हाई वी स्टडी द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अपन लिखेंगे वी नो दैट इलेक्ट्रॉन shows dual character, और dual character होता है ना, मैंने पढ़ा था उसमें भी problem है, dual character, particle is always gay, as gay, ठीक है, due to the wave nature, ना, due to the wave nature of electron, it can show diffraction and interference, diffraction and interference of waves. तो डिफ्रेक्शन भी शो कर सकता है और इंटरफेरेंस भी शो कर सकता है वेव्स। द इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑफ वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक अपन कहते हैं जिनको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, दूसरे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस एडिशन ऑफ वेव्स और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
इंटरफेरेंस, दैट इज सब्सट्रैक्शन ऑफ फोर्स. ओके, दो टाइप का. और बोलते हैं दैट इज एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है. अब थोड़ा सा अपन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वेव को चेक कर लेते हैं कि ये है क्या. सो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स ना, दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय लाइक दिस, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. Destructive interference. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जैसे मान लो हमारे पास एक वेव है ऐसे, और दूसरा एक और वेव ऐसे, और मैंने दोनों को ऐड कर लिया. एडिटिव वेव्स ना, आपने लिखा एडिटिव वेव्स, मैं इनको ऐड करूंगा तो आई गेट लाइक दिस. दोनों वेव्स को ऐड कर लेंगे. इट इज लाइक दैट. एडिटिव वेव्स का मतलब है कि आप रूम में एक लाइट को ऑन करोगे, देर विल बी वेव्स, नो डाउट फोटॉन्स का वेव्स होगा, फोटॉन्स ट्रैवलिंग इन फॉर्म ऑफ वेव्स. अगर एक और लाइट को ऑन करोगे तो दूसरे फोटॉन का भी वेव्स होगा, तो जब ये एडिटिव वेव्स होगा तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगा. दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अगर दो वेव्स इंटरफेयर हो जाए तो वो कंस्ट्रक्टिव होगा, तो वो और ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ा देगा. ये साउंड जो होता है आपने देखा होगा, जैसे साउंड प्ले करते हैं वो ड्रम पे साउंड प्ले करते हैं, तो वो रिदम में साउंड प्ले करते हैं ताकि वो आवाज और ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हो जाए. अगर रिदम थोड़ा सा भी ब्रेक होता है तो साउंड का जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाता है. क्यों? वहां पर कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है. अगर इस टाइप के दो वेव्स को अपन मिक्स करेंगे तो विल गेट दैट इसमें इट विल बिकम लाइक दिस. आइदर इट विल बी जीरो और इट विल डिक्रीज. वो डिपेंड करेगा दोनों में से कौन ज्यादा था. Maybe possible it will become like this. खत्म ही हो जाएगा. जैसे हम रिमोट से, टीवी रिमोट से साउंड को इंक्रीज करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव वेवलेंथ को इंक्रीज करके ये बना देता है, बड़ा वेवलेंथ बना देता है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और अगर हमें साउंड को कम करना है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर देखो ना, जैसे यहाँ से शुरू किया लेकिन यहाँ पर आपने यहाँ से शुरू किया, तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से मर्ज करेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से मर्ज करेगा, तो वो जीरो हो जाएगा. जबकि यहां क्या होगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से मर्ज करेगा, ये नेगेटिव ये नेगेटिव से मर्ज करेगा, ये पॉजिटिव से मर्ज करेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, कंप्लीटेड बढ़ जाएगा. सो इट इज लाइक दिस. ठीक है भाई, बट इसको हमें क्या फायदा ये सब पढ़ने से. तो अपन कहेंगे ये जो पार्ट है ना, it is explained by linear combination of atomic orbitals. It is explained by linear combination of atomic orbitals. Of atomic orbitals. तो ये क्या है भाई, example ले लेता हूँ. मानो मेरे पास H2 मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H ले लेता हूं, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल HB ले लेता हूं, अलग अलग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. इसका अपना एक वेव फंक्शन होगा, इसका अपना एक वेव फंक्शन होगा. अगर इसका इलेक्ट्रॉन अप डायरेक्शन में, इसका इलेक्ट्रॉन डाउन डायरेक्शन में, तो दोनों बॉन्डिंग करेंगे, लेकिन अगर दोनों पैरेलल डायरेक्शन में है तो बॉन्डिंग नहीं करेंगे.
उनमें रिपल्शन होगा, देन दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपने इंटरफेयर तो किया दोनों इलेक्ट्रॉन को, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे मान लो अपने पास ये एक हाइड्रोजन एटम एच होगा, ये एच बी होगा, इसके लिए मैंने शाई बी ले लिया, ये शाई ए हो गया, ये शाई बी हो गया, दोनों को ऐड किया तो अपन ने कहा शाई ए प्लस शाई बी का एक एटम दूसरा एटम, एक एटम दूसरा एटम। अपन ने वो कह रहा है कि भाई एक आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ले रहे हो, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसको एच ए ले लेते हैं, इसको एच बी ले लेते हैं, अब इसका शाई ए एक शाई बी हो गया, इसका ऑर्बिटल दे आर, वी नो दैट दे आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो इनके इलेक्ट्रॉन ऐसे अप्रोच कर जाए, या फिर इनके इलेक्ट्रॉन ऐसे अप्रोच करें। ऐसे अप्रोच करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव बॉन्ड बनेगा, ऐसे अप्रोच करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा। ये एडिटिव वेव्स हो गया। अगर ये एडिटिव वेव्स है तो ये एक मॉलिक्यूल के लिए ले लिया अपने एडिटिव वेव्स, तो अपन इसको लिख लेंगे शाई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। ये एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, ए ओ इज एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल और इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, शाई ए इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एक हाइड्रोजन, शाई बी इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अदर हाइड्रोजन एटम। अगर दोनों को एड करके एडिटिव वेव्स आया तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, क्योंकि एक एटम दो एटम तो मॉलिक्यूल बनेगा। दैट इज ठीक है। अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया इधर, ये पार्ट है, अगर मैं इधर बात करूंगा तो मैं कहूंगा भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू दैट इज शाई ए माइनस शाई बी, दैट इज अ सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव्स, माइनस कर लिया। तो अपन कहेंगे इससे फायदा क्या, फायदा नहीं है, हमको एक आइडिया तो मिलेगा कि भाई कैसे कॉम्बिनेशन कर रहे हो आप, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्योंकि फायदा अगर देखेंगे तो अपन कहेंगे शाई का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, आपने पहले बता रखा है शाई हैज नो सिग्निफिकेंस, तो पढ़ने का फायदा क्या। राइट, शाई का तो कोई सिग्निफिकेंस होता ही नहीं, तो अपन कहेंगे ठीक है शाई का सिग्निफिकेंस नहीं होता लेकिन शाई स्क्वायर का तो होगा। तो अगर शाई स्क्वायर अपन लिखते हैं तो अपन कहेंगे देख लो आप क्या करना है भाई, इसको अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे शाई स्क्वायर, शाई हैज नो सिग्निफिकेंस, तो आप क्या करोगे शाई ए प्लस शाई बी का स्क्वायर कर लोगे, और इधर भी ऐसे कर दोगे भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो अपन क्या करेंगे इसको, इसको भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो शाई ए माइनस शाई बी कर लेते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, अगर उसका सिग्निफिकेंस नहीं होगा तो ऐसे कर लेंगे स्क्वायर कर लेते हैं तो होगा सिग्निफिकेंस, तो अब क्या सिग्निफिकेंस होगा इससे हमें क्या पता चलेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई देख लेते हैं, कुछ पता चलता है तो बता देते हैं। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर अपन इसको चेक करें तो अपन कहेंगे देखो भाई मेरे पास ऐसा है, तो इससे तो अपन को ऐसे भी पता चल सकता है इससे फायदा क्या, इससे अपन को यह फायदा होगा कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा
तो अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल को स्क्वायर करने के बजाय आप मॉलिक्यूल के, बिकॉज ऐड करने के बाद फिर स्क्वायर करो, तो उससे क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू एटम विल इंक्रीज बाय टू शाई एस आई बी। भाई अलग अलग अगर ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटम का, ये दूसरे एटम का, लेकिन अगर उसमें बॉन्ड बनाने के बाद अपन स्क्वायर करके चेक करें तो अपन को क्या पता चला कि भाई दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी अगर अपन लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे और वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो देयर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अपन ने पहले क्या किया, दोनों के वेव फंक्शन को एड किया, मतलब आपने लीनियर कॉम्बिनेशन से उनको बना लिया। अब अपन ने क्या, बनाने से कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी होगी क्या? हाँ भाई बढ़ी ना, अगर आप सिंगल एटम को रखते तो साई स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर होता, लेकिन अगर आप दोनों को ऐड करने के बाद स्क्वायर करते तो इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है मॉलिक्यूल में बॉन्ड बना होगा। दोनों एटम के अप्रोच करने से मॉलिक्यूल में बॉन्ड क्या होगा, बना होगा। यहां तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ना उससे भी कम हो गया, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स है एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियस डिक्रीजेस, मतलब जब मैं दो एटम को आपस में अप्रोच करूंगा तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो फिर इसका मतलब वहां बॉन्ड नहीं बन रहा। हाँ, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बॉन्ड नहीं बनता, ये भी शाही है शाही फॉर द टू एटम्स और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अपन क्या करेंगे, जब बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहां तो बिटवीन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब है बॉन्ड बना होगा, तो अपन क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगे दे आर कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अपन इसको क्या लिख लेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगे अपन उनको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, तो अपन को पता चल गया कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर होगा तो अपन क्या बताएंगे उसे, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियस डिक्रीजेस, वहां बॉन्ड नहीं बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेंगे। तो एंटी बॉन्डिंग को अपन क्या करते हैं, स्टार से डिनोट करते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, स्टार से डिनोट कर लो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, हमें क्या फर्क पड़ेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप स्टार से डिनोट कर दो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप स्टार से डिनोट कर दो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें क्या पता चल गया कि अगर मान लो दो ऑर्बिटल्स हैं, है ना, जैसे अपन कहेंगे दो ऑर्बिटल्स हैं, अब ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव क्यों हो रहा है वो अपन को पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ड्यूल कनेक्टर हो रहा था, ड्यूल कनेक्टर में पार्टिकल एज वेल एज वेव, अगर वेव कनेक्टर है तो दो टाइप का होगा, एक कंस्ट्रक्टिव होगा एक डिस्ट्रक्टिव होगा। कंस्ट्रक्टिव का मतलब हमें पता चल गया, डिस्ट्रक्टिव मतलब हमें पता चल गया, लेकिन आप इसको बोलना क्या चाहते हो ये एक बार और डिस्ट्रक्टिव वाला रब मत कीजिए, नहीं करूंगा चिंता मत कर, मुझे थोड़ा सा इसी को समझाने के लिए तो चाहिए ऊपर, तब तो कर रहा हूं। अब देख, एक हाइड्रोजन एटम के लिए अगर अपन चेक करें तो इस टाइप से अपन ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ये अच्छी के लिए वो एक पार्ट अपन ऐसे बनाए ना, अपन एस ऑर्बिटल ऐसे होता है एक क्वाड्रेंट, दूसरे के लिए एच बी के लिए मैं ऐसे बनाऊ, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा दोनों से तो फिर इस टाइप से बन जाएगा, अगर दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो फिर ये इस टाइप से बन जाएगा, वही बना देता हूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इट विल बी लाइक दिस, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, यहां पर ये एच ए और ये एच बी, लेकिन अगर इसकी जगह अपन एंटी बॉन्डिंग ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, अगर मैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियस डिक्रीजेस, ये एच है और ये एच बी, तो मैं ऐसे बताता हूं,
मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल शिफ्ट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम्स, वो बिटवीन द एटम्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। आप सीधा सीधा मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो, आप लोग मतलब ऐसे मत सोचो कि कुछ नया बता रहा हूं मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बिटवीन द टू एटम्स है तो बॉन्ड बन गया, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं इनके बीच में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, और रिपल्शन क्या हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन इधर है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कैसे, बॉन्ड कैसे बनेगा, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। उसको अपन कुछ डायग्रामेटिकली करके दिखा रहे हैं, मतलब जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में होनी चाहिए थी कंस्ट्रक्टर में इतनी ज्यादा हो जाएगी। मतलब एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अदर हाइड्रोजन एटम, अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो बिटवीन द न्यूक्लियस बढ़ गया, इधर छोटा हो गया, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया थोड़ा छोटा। और अगर मान लो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो जैसी बात है, उसके इसमें बिटवीन द न्यूक्लियस कम हो गया, वहां बॉन्ड नहीं बनेगा। तो अपन ने उसको ऐसे सिंपल वे में देख लिया, अभी अपन वैसे ही लिखेंगे वो डम्बल शेप, स्पेरिकल शेप, वो भी देखेंगे, उस टाइप से भी बनाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन तो उसी टाइप से होगा अपने पास। लेकिन मैंने तो बस ये बताया कि भाई कंस्ट्रक्टिव का मतलब है एडिशन ऑफ वेव्स, ये फॉर्मूला जैसे तो लिख लेते हैं, और डिस्ट्रक्टिव का मतलब है वो क्या होता है वो तुमको पता चल गया, तो अपन बता देंगे भाई इन्हें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस न्यूक्लियस इंक्रीजेस बाय टू शाइए शाइए एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स शाइए एंड शाइए। इसमें द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस डिक्रीजेस बाय बिटवीन द न्यूक्लियस डिक्रीजेस बाय That is two shy a shy. As compared to atomic orbital. That is here come. जो इलेक्ट्रॉन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करते हैं उनको अपन कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या राइट ना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और द इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। और जो डिस्ट्रक्टिव शो करेंगे दे आर कॉल्ड एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स विच शो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आर कॉल्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। Interference are bonded electrons. और जो destructive interference show करेंगे they are called antibonded electrons. उनको अपन antibonded electrons बोलते हैं। Destructive interference. आर कॉल्ड एंटीबॉडी। तो ठीक है अपन को ये पता चल गया भाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और एंटीबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। एंटीबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करते हैं या जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व भी रहते हैं, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो प्रेजेंट होंगे कंस्ट्रक्टिव, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगा।
ठीक है, ये तो अपन को एक थ्योरेटिकल पार्ट था, जो अगर इसमें से थ्योरी में से कोई क्वेश्चन पूछेंगे अपन बता दें। एक्चुअल में देखा जाए तो अपन को मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ना चाहिए, बट थोड़ा सा आइडिया अगर होगा कि अपन क्या करने वाले हैं इसमें, तो उससे अपन को थोड़ा कोई क्वेश्चन अगर ऐसे डायग्राम वगैरह कुछ बना के पूछेगा, तो अगर बिटवीन द न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो बता देंगे कि भाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हो आप, अदरवाइज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हो। अब अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑफ मॉलिक्यूलर बिफोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। लेट अस चेक भाई, वैसे तो मैंने आपको बताया हाउ टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, वो सब बताया हुआ, बट ये सब पार्ट अपन ने पहले नहीं पढ़ा था, जैसे स्कूल के लिए एक बार एग्जाम पढ़ा था ना अपने, तब तो ये डिस्कस किया था, लेकिन मैंने आपको ये सब नहीं बताया था। पोस्टुलेट ऑफ मॉलिक्यूल, फोर ओ'क्लॉक हो चुका, बहुत जल्दी टाइम निकल गया आज, इनको रुकना पड़ेगा। सैटरडे अपना क्लास है ना, सैटरडे को अपन ये कंप्लीट कर सकते हैं, संडे भी कैन हैव अ डाउट क्लास, अभी अपन रुक जाते हैं, मेरी क्लास पर नेक्स्ट क्लास के लिए लेट हो जाऊंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल, आप बॉन्डिंग 5 सॉल्व कर सकते हैं, संडे को आप डाउट भी पूछ सकते हैं, संडे को आपके जो भी डाउट्स होंगे ना बॉन्डिंग के डाउट्स करेंगे, उसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मे बी पॉसिबल अपना ये भी खत्म हो जाए, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और बॉन्डिंग थोड़ा सा मेटलिक बॉन्डिंग पड़ता है बस इस पार्ट, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विल टेक टाइम मुझे पता है, ठीक है। चलो देखते हैं, सर रुको, सर लिख रहे हैं। अच्छा अभी लिख रहे हो, तो लिख लो कोई प्रॉब्लम।